भैया लाइन जाएगा चाहिए, लाइन अभी गेट नंबर 2 पे चाहिए, एंट्री बंद हो चुका है। क्या बजे तक खुला है ये वैसे? शाम को क्या बजे तक खुलता है? जो एंट्री वाला कूपन जनरल का, अब कूपन होगा तो दर्शन होगा ना। कूपन जब 1 बजे बंद कर दिया तो कल मिलेगा, कल के लिए बात कर रहे नीचे से। आज ही ना हो ना, आज ही ना हो। दोस्तों वैसे तो हम लोग टी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है एंड टी इंडस्ट्री से रिलेटेड ही हम लोग कंटेंट लाते हैं, लेकिन आज मैं कामाख्या टेंपल के ऊपर एक कंटेंट लाया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो कामाख्या मंदिर है वो कैसे पहुंचा जाता है, टाइमिंग क्या होता है द्वार खुलने का, द्वार बंद होने का। जो कामाख्या टेंपल में जो पुराना मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और पूरा ये जो पूरा मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स है और इस मंदिर का कोना कोना मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में ये अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उन सब में से ये वीडियो सबसे लंबा होने वाला है, क्योंकि इस मंदिर का कोना कोना मैं इस पे कवर करने वाला हूँ। और मैं आपको इसमें यह भी बताऊँगा कि कौन सा टाइम आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आप मंदिर आ रहे हो तो, और क्या क्या चीज़ों से थोड़ा बच के भी रहना चाहिए वो भी। और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट सीज़न जो होता है, सबसे सही समय कौन सा है, बस सबसे सही सीज़न कौन सा है यहाँ पे आने के लिए। और साथ साथ पूरा मंदिर को भी हम कवर करेंगे। और कुछ लोग होते हैं जो मतलब जो यहाँ पे एक दिन के लिए गुवाहाटी आते हैं एंड उसी दिन वो वापस भी चले जाते हैं, तो वो लोग को ठहरने के लिए कौन सा होटल सही रहेगा, कौन सा जगह सही है उनके ठहरने के लिए, वो भी हम इसमें शेयर करने वाले हैं। इस वीडियो को मैंने इस तरीके से बनाया है कि आपको रियल में दर्शन करने का अनुभव हो जाए। क्या करें कि दर्शन मिस ना हो, क्या आपको चीज़ें करनी चाहिए कि आपका जो दर्शन है वो मिस ना हो पाए, और कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको इस दर्शन के दौरान अवॉइड करनी चाहिए ताकि आपका किसी से झगड़ा ना हो। और मैं आपको साथ में झगड़ा होते हुए भी दिखाऊँगा कुछ लोगों का, जिन लोगों ने यहाँ पर आके कुछ गलतियाँ करी हैं। जब आप गुवाहाटी पहुंचते हो तो मैं मान रहा हूं कि आप जब पहुंच रहे हो तो रेलवे स्टेशन से ही पहुंचोगे, रेल से ट्रेन से आप आओगे। सो अगर आप ट्रेन से आते हो तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो है कि जो रेलवे स्टेशन है उससे आपको बाहर निकल जाना है। 2 गेट होते हैं रेलवे स्टेशन में बाहर निकलने के, एक पल्टन बाज़ार वाले एरिया में निकलता है और दूसरा जो गेट है वो पान बाज़ार वाले एरिया में निकलता है। फ़ोटो में आप पान बाज़ार वाला एरिया का जो गेट है वो आप देख रहे हो। आप इधर हुए, आप किसी भी गेट से निकलो, आपको बस मिलने में इतना तकलीफ़ इतना दिक्कत नहीं होता। सो आपको निकलने के बाद ये जो आप बस देख रहे हो, ऐसा कोई भी बस को आपको पकड़ना है और आपको बोलना है कि आपको कामाख्या टेंपल जाना है, सिंपल। और वो आपको 20 रुपये लेके 15 रुपये लेके आपको जो है कामाख्या मंदिर का जो द्वार है वहाँ पर आपको छोड़ देगा। और बहुत ईजी है, अभी मैं आपको दिखाऊँगा। और एक और द्वार है जहाँ पे आप पैदल यात्रा कर सकते हो, प्राचीन रास्ता है, ये आप देख सकते हो, ये है प्राचीन रास्ता। लेकिन इस प्राचीन रास्ते से आपको नहीं जाना, इसमें थोड़ा सा हल्का सा रिक्स रहता है रात के टाइम में। और ये हम लोग यूज़ किया करते थे बहुत पहले, जब बचपन में हम लोग इसी रास्ते से हम लोग ऊपर जाया करते थे। लेकिन आपको इस रास्ता पर नहीं जाना है, आपको जो द्वार यूज़ करना है वो मैं अभी दिखा रहा हूँ। और अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हो तो आपको कोई भी टैक्सी को पकड़ के आपको बोलना है कि आपको जाना है मालीगांव। तो मालीगांव वाला एरिया आप पहुंच के आप कामाख्या इजीली पहुंच सकते हो। और ये है मंदिर का द्वार, ये हम पहुंच चुके हैं कामाख्या टेंपल, कामाख्या देवालय। यहाँ से जब आप यहाँ पे पहुंच जाओगे तो आप यहाँ पे जो टैक्सी है ये सब टैक्सी से आप 20 रुपये में ऊपर जा सकते हो, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ तक पहुंचने के बाद सिर्फ 20 रुपीज़ का टैक्सी लेके आपको ऊपर की तरफ जाना है। अब ऊपर की तरफ मैं जाके आपको दिखाऊँगा। Yeah.
दोस्तों ये जो है, ये जो रास्ता है साइड में जो जा रहा है, ये प्राचीन रास्ता है। पहले के टाइम में हम लोग सब बचपन में हम लोग इसी रास्ते से ऊपर जाया करते थे, लेकिन अभी अब इसका ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आज 31 दिसंबर है, आज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाला है आज के दिन। एंड मैं यहाँ पे प्लानिंग तो मैं ये लेके आया था कि 6 से 7 बजे ही आ जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं आ नहीं पाया। तो अभी बज रहे हैं 3, तो 3 बजे कैसा भीड़ रहता है ये भी देखने में बहुत ही शानदार है। एंड रास्ते में एक बोर्ड मिला है जहाँ लिखा है विटनेस द मिरेकल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बहुत सारे जो लोगों का जीवन बदला है, बहुत सारे लोगों का मन्नत जो है वो पूरा होता है, एंड हो सकता है कि आपका जो मन्नत है वो भी पूरा हो जाए एंड आपको एक चमत्कार देखने का मौका मिले। और ऊपर जाने के समय में जब आप ऊपर की तरफ जा रहे होते हो तो करीब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के बाद आपको एक ये बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट मिलता है। इस जगह का नाम है व्यू पॉइंट। एंड यहाँ कुछ देर आप अपने फैमिली के साथ या फिर आप जिसके साथ भी आए हो, कुछ देर आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। काफ़ी सुंदर नज़ारा रहता है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे इसको और अच्छे तरीके से देखें, इस जगह को। तो ये जगह अगर आप ड्राइव करके आ रहे हो तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, व्यू पॉइंट इसे कहते हैं। काफ़ी सुंदर है यहाँ, काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ से। एंड थोड़ा और इसको ये देखिए, गुवाहाटी शहर का जो नीलगिरी पर्वत वाला एरिया है वो बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ से दिखता है। सो अगर आप आए तो कुछ देर यहाँ जरूर ही रुके। मेरा तो नजर तुम्हारा पानी पी के निकला तब से ही पीछा कर रहा था। कौन आ गए? हेलो, चलो गाड़ी जब लेके आएंगे। Thank you.
अब मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको जो करना होगा वो ये कि इस कुंड में आपको अपने पांव अपने शरीर को यहाँ पे धोना होगा एंड उसके बाद ही आप मंदिर में दर्शन कर सकते हो। मंदिर में घुसने से पहले सारे जितने भी श्रद्धालु हैं वो सब के सब यहाँ पे अपना पांव धोते हैं एंड पांव धोने के बाद जो लाइन है जो जनरल लाइन हो या फिर वीआईपी लाइन हो उसमें वो जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे सिक्का रख के मनोकामना मांगा जाता है, अपने विश को यहाँ पे मांगा जाता है। और ये वो जगह जहाँ पे आप आरती करोगे, अगरबत्तियाँ लगाओगे। पहले अगरबत्तियाँ लगाने का जो स्टैंड था वो यहाँ पे था, जो अभी उसे शिफ्ट कर दिया उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये वो जगह है जहाँ पे लोग नारियल फोड़ते हैं। उनका नारियल नहीं फूटा, शायद इन्होंने आज नाश्ता नहीं किया था। गणेश जी की आरती करने के बाद ही हिंदू धर्म में पूजा आरंभ किया जाता है। सेम रिचुअल्स कामाख्या में भी हम फॉलो करते हैं। ये एक जगह है जहाँ पे आप फोटो खिंचा सकते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये वो जगह है जहाँ पे आप जब अगरबत्ती और जब दिया धूप जो होता है जब आप उन्हें जला लोगे अर्पित कर चुके होंगे तो उन्हें आप यहाँ पे ही आके रखते हैं। चलिए लाइन के बारे में दादा, इसमें से वीआईपी लाइन कौन सा है? 20 वाला ना, जनरल ये 500 रुपये स्पेशल लाइन है। 500 रुपये वीआईपी है, लेकिन आदमी लोग उसको वीआईपी बोलता है। सब को सुनकर ना, ये स्पेशल है 500 रुपये का, 500 गवर्नमेंट का तरफ से, गवर्नमेंट ये वीआईपी है, ये वीआईपी। बाकी जो 500 स्पेशल वीआईपी जनरल। ये वो जगह है जहाँ पे बलि दिया जाता है फेस्टिवल्स के टाइम में। और ये वाला जो जगह है,
इसके साइड में बछड़ों को जो गॉड्स होते हैं उन्हें उन्हें उनका बलि दिया जाता है। क्या कहूँगा मैं आप। और अब लाइन को देखते हैं। सो ये है जनरल लाइंस, जो सामान्य लाइन है, जो कि एक भैया भी बता रहे थे, इस सामान्य लाइन में आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। 4-5 घंटे में लाइन के हिसाब से आपकी बारी आ जाती है और आपके दर्शन हो जाते हैं। थोड़ा सा कठिन रहता है यहाँ पे, लेकिन इसका भी एक अलग मजा है। और अगर आप सामान्य क्यू से ट्रैवल करते हो तो आपको ये कॉरिडोर और ये कॉरिडोर के बाद आपको दिख रहा होगा, आपको ये वाला जो पूरा एरिया है इसको कवर करने के बाद अंत में जो आपको टॉम्ब दिख रहा है, जो गर्भाशय दिख रहा है, यहाँ पे आपको आपको माता के दर्शन होते हैं। सो ये टोटल 4-5 घंटे का टाइम लेता है। पहले ये रास्ता नहीं था, नया रास्ता बना। स्लिप नहीं मिलेगा, बंद हो गया। 4 बजे पर्ची देगा हुआ मैं भैया। लाइन जाएगा चाहिए, लाइन अभी गेट नंबर 2 पे चाहिए, एंट्री बंद हो चुका है। क्यों तक खुला है ये वैसे, शाम को क्यों तक खुलता है? तो दर्शन होगा ना कूपन जब 1 बजे बंद कर दिया तो कल मिलेगा, कल के लिए बात कर रहे नीचे से। आज ही ना हो ना, आज ही ना हो, दो नंबर गेट से मार मूर्ति के दर्शन, 2 नंबर गेट से माता का मूर्ति दर्शन होगा। अभी पहले जैसे एक रूल था ना कि 5 बजे भी लोग घुस जाते, आजकल नहीं है रूल। आजकल भीड़ मतलब बेहद ज्यादा भीड़ है, भीड़ की ऊपर डिपेंड करके बंद करता है, क्योंकि रात को लोग खत्म होते होते 9-10 बजते है। कूपन देते रहेगा तो रात को पूरा रात में दर्शन करना यहाँ मना है, इसलिए उसके वजह से भीड़ को देखते हुए दर्शन बंद करता है एंट्री। तो कब तक आना चाहिए वैसे? सुबह आइए, सुबह यहाँ में एक दिन पहले हॉल करिए, सुबह 3-4 बजे लाइन पे लगिए जनरल वाला, 7-7.5-8 बजे तक दर्शन हो जाएगा। सुबह मंदिर खोलते ही जनरल वाला 400-500 आदमी को दर्शन कराता है सुबह में। सुबह में पहले जनरल वाला होता है, उसके बाद में आपका जो टिकट वगैरह होता है। अच्छा, और वो जो 500 रुपये वाला जो 500 के लिए आपको सुबह 4 बजे मेन गेट पे आपको लाइन देना होगा। मेन गेट कहाँ पे हो गया? जो मेन गेट है मंदिर का, वो मेन गेट। अच्छा अच्छा, हाँ, बाहर बाहर 4 बजे बंद रहेगा, 4:30 बजे मेन गेट खोलेंगे, उसके बाद आपको काउंटर पे लाइन देना होगा। काउंटर पे लाइन देना होगा। पहले से बहुत सारा चीज़ बदल चुका है। पहले हम लोग यहाँ पे 3 बजे भी लोगों को बुला के 5 बजे तक दर्शन करा देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सो अब आप कोशिश करें कि 12 या 1 बजे से पहले यहाँ आप पहुँच जाओ। लेकिन जैसे वो उन भाई ने कहा था, जो गार्ड जी ने जो कहा था कि आप सुबह 4 बजे ही आ जाया करो और 4-5 बजे लाइन लगा और 7:30 बजे तक फ्री हो जाओ, क्योंकि 7:30 बजे तक अगर आप फ्री हो जाते हो तो आप बाकी चीज़ें कर पाओगे। एंड आप रिस्क ना ही लेना, 3 बजे आप ना ही निकलना, कोशिश करना आप कि 1 बजे तक आप इस मंदिर पे पहुंच जाओ। अब जानते हैं कि यहाँ पे रुकने के लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सा होगा, कौन सा होटल सबसे सही है, एंड क्या सुविधा है मंदिर कॉम्प्लेक्स में। सो ये जो आप देख रहे हो, ये सारे एरिया में बहुत सारे यहाँ पे होटल्स हैं। ये मंदिर के कॉम्प्लेक्स का बाहर वाला एरिया है, और अंदर में भी एक गेस्ट हाउस आपको मिल जाएगा। जो लोग एक ही दिन में आके निकल जाना चाहता है, जो लोग चाहता है कि एक ही दिन आए एंड फिर वो लोग उसी दिन वो लोग निकल जाए, सो आप लोग इस गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। लेकिन इस गेस्ट हाउस का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, मैं दिखा देता हूँ। एक कॉन्टैक्ट नंबर भी, हाँ जी।
लेकिन इस गेस्ट हाउस में एक प्रॉब्लम है कि आपको एक महीना पहले यहाँ पे बुकिंग करना पड़ता है, और अगर आप एक महीना पहले बुकिंग नहीं करते तो भी यहाँ पे मिलेगा चांसेस है, लेकिन यहाँ पे अगर जो बेड है अगर खाली हुआ तो ही। एंड प्राइजेस जो होगा, प्राइजेस 400 रुपये से 2000 रुपये के बीच में यहाँ पे रहता है। एंड अगर भीड़ नहीं रहता है तो आप आमने सामने जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे भी आप अपना बुकिंग करा सकते हो, एंड वहाँ पे आप मतलब रह सकते हो। सो ये चीज़ है, एकोमोडेशन आई थिंक बहुत बड़ा इशू नहीं होगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग अपना चप्पल जूता जो भी है वो रख सकते हैं। एंड इधर एक क्लॉक रूम भी है जहाँ पे क्लॉक रूम में आप अपना सामान रख सकते हो। वो क्लॉक रूम इनसे पूछता हूँ कहाँ पे है, फिर पता कर सकते। और एक दिन के लिए अगर आप आ रहे हो तो अपना आप सामान यहाँ एंट्री लॉकर है इस तरफ आप रख सकते हो। काफ़ी ज़बरदस्त ये व्यू आपको मिलेगा जब आप मंदिर में दर्शन करके आप ऊपर वाला रास्ते की तरफ आप आते हो, तो वहाँ पे जो पार्क बना है उसके सामने जो ये कॉरिडोर है उस तरफ काफ़ी ज़बरदस्त। ये टाइम स्पेंड करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाया है, बहुत ही नया है ये, बहुत पुराना ये नहीं है। अब चलिए इसके पार्क को देखते हैं। उसी पार्क के सामने है एक भुवनेश्वर टेम्पल। सो हम ये नया अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बहुत ही प्राचीन मंदिर ये भी है। सो अब इसके अंदर चलते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो ऊपर की तरफ भी जरूर जाए। ধুয়াটে হয়ে গেছে মেঘলা না কুয়াশা মেঘলার জন্য আমার ফোনে আসে না পেছনটা। Yeah, it's a new one.